A very good evening. Today I'm going to discuss about few stocks which were asked by many clients whether these stocks are good investment or not. For example, Adani, Reliance, LIC, Nykaa, Paytm, Berger Paints. Before I get into details, मैं आपके साथ एक example share करना चाहता हूँ. Let's say मेरे को चीता का चाल समझना है कि वो कितना तेज दौड़ता है, वो कैसा दिखता है, तो मेरे को चीता को स्टडी करना पड़ेगा ना कि गधे को. अगर मैं गधे को स्टडी करता हूँ तो मुझे उसका चाल पता चलेगा ना कि चीता का, राइट. सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पैसे डबल हो जाएं या तीन गुना हो जाए तो मेरे को उन स्टॉक्स को स्टडी करना पड़ेगा जो ऑलरेडी 100% या 100% से कहीं ज़्यादा मूव दिए हैं इन अ ईयर, राइट. तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, और उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से रिलायंस. अब रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज है करीब करीब 16 लाख करोड़, एंड ये अब एग्जैक्टली राइट नाउ एट 236 का कैपिटलाइजेशन है 16 लाख करोड़ अप्रॉक्स. अगर आप इस स्टॉक में 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और आप चाहते हो कि ये स्टॉक आप ये इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख से 2 लाख हो जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये मार्केट कैप भी 16 लाख करोड़ की जगह 32 लाख करोड़ हो जाएंगे? और यही चीज़ अगर आप कोई छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, लेट्स से 1000 CR, और इसको डबल होने के लिए अनदर 1000 CR ऐड करना पड़ेगा, दैट्स ऑल. नाउ विच वन इज मच इजियर फॉर द मार्केट? इज इट मच इजियर टू ऐड अनदर 1000 CR, और इज इट इजी फॉर रिलायंस टू डबल इट्स कैपिटल एंड ऐड अनदर 16 लाख करोड़? तो 1000 CR ऐड करना जरूरी है ज़्यादा, राइट. तो मेरी स्टडी जब मैंने स्टॉक्स देखा था फ्रॉम 2017 टू 2022, जो स्टॉक्स 100% या दुगना, तिगना, चार गुना, पांच गुना हो गए, उन सब की कैपिटलाइजेशन थी बिलो 15000 CR. एंड प्रेफरेबली बिलो 5000 CR. नाउ लेट्स गो इनटू सम डिटेल्स एंड स्टडी स्टॉक्स विच हैव ऑलरेडी मेड बिग मूव्स इन 2017 और 2020, 21, 22. यहाँ आपको चार्ट दिख रहा है, यहाँ आपको चार्ट दिख रहा है. मैं सिर्फ इसमें कैमरा को हटा देता हूँ. तो मैंने यहाँ पर कैमरा हटा दिया नीचे फॉर बेटर क्लैरिटी. तो लेट्स गो इन सम स्टॉक्स जो 2017 में काफ़ी चले थे. लेट्स गो टू HEG एग्जांपल इन 2017, एंड आई एम जस्ट मेकिंग इट लाइन चार्ट सो इट इज़ मच ईजियर टू अंडरस्टैंड. Remove drawings. Okay. Yeah. So, ये stock in 2017 करीब करीब इसका प्राइस चल रहा था 200 रुपये के आसपास, और ये स्टॉक 200 रुपये से 4000 रुपये चला गया, अप्रॉक्सीमेटली 1600% रिटर्न इन जस्ट 1 or 2 years, राइट. और यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा होगा, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन दैट डे. तो अगर मैं देखता हूँ जब स्टॉक ने जस्ट स्टार्ट किया था मूव, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 945 CR, राइट. एंड दिस इज व्हाई दिस स्टॉक मेड अ बिग मूव. लेट्स गो टू सम अदर एग्जांपल्स. लेट्स गो टू ग्रेफाइट. इवन दिस ग्रेफाइट मेड अ वेरी बिग मूव. दिस मेड अ 700% मूव इन 1 year. नाउ एट द स्टार्ट ऑफ दिस रैली, इफ यू लुक एट द कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस स्टॉक ओवर हियर, कितना है, ओनली 1900 CR, ओनली 1900 CR. लेट्स गो टू सम अदर एग्जांपल्स. रेन इंडस्ट्रीज, क्या रेन इंडस्ट्रीज काफी ऊपर गया इन 2017? इट मेड अ मूव ऑफ 600% इन 1 year. एंड व्हाट वाज द मार्केट कैपिटलाइजेशन एट दिस टाइम, एट द स्टार्ट ऑफ द मूव, ओनली 2000 CR. लेट्स गो टू सम अदर एग्जांपल्स. लेट्स गो टू सम एग्जांपल्स ऑफ 2020. लेट्स सी अदानी ग्रीन. अदानी ग्रीन बहुत फेमस स्टॉक है, राइट. अदानी ग्रीन जब इसने मूव शुरू किया था, इट मेड अ मूव ऑफ 1000% इन 1 year. व्हाट वाज द मार्केट कैपिटलाइजेशन बिलो, 13500 CR.
राइट, 13,500 सीआर. लेट्स गो टू अदर अनदर एग्जांपल. आरती ड्रग्स. आरती ड्रग्स मेड अ मूव ऑफ 700% इन वन ईयर. व्हाट इज द कैपिटलाइजेशन हियर? 1000 सीआर अप्रोक्सीमेटली. लेट्स गो टू अनदर एग्जांपल. डिक्सन. डिक्सन मेड अ वेरी गुड मूव, 500% इन वन ईयर. व्हाट वाज द मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द स्टार्ट ऑफ द मूव? अप्रोक्सीमेटली 4000 सीआर. तो अगर ये सारे स्टॉक्स जो कई गुना हो रहे हैं, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटी है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि छोटे मार्केट कैप के स्टॉक्स ज्यादा बड़े मूव देते हैं? राइट. अब सिमिलरली अगर कई स्टॉक, कई लोगों ने मुझे जैसे पूछा मेरे क्लाइंट्स वगैरह कि क्या अदानी के स्टॉक्स अच्छे हैं या नहीं है, और आप ये मार्केट कैप सिंपली बीएससी के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो. बीएससी में गया, यहां पर जैसे ही मैं अदानी एंटरप्राइज लिखता हूं, यहां आपको मार्केट कैलकुलेशन यहां दिख जाएगा. द मार्केट कैलकुलेशन ऑफ अदानी एंटरप्राइज 2 लाख सीआर. तो क्या अदानी एंटरप्राइज के लिए इजी है एडिंग अनदर 2 लाख सीआर? क्योंकि जब जैसे आप पैसे लगाओगे और आप चाहते हो इस आपके पैसे डबल हो जाए, तो इस अदानी एंटरप्राइज को भी अपना मार्केट कैप डबल करना पड़ेगा. राइट. लेट्स गो टू अनदर एग्जांपल. एलआईसी. व्हाट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एलआईसी राइट नाउ? 3,50,000 करोड़. राइट. लेट्स गो टू नाइका. व्हाट इज द मार्केट कैप राइट नाउ? 37,000 सीआर. इसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एलआईसी से और रिलायंस से या फिर अदानी एंटरप्राइज से, बट फिर भी बहुत ज्यादा है. लेट्स गो टू अनदर एग्जांपल. बर्जर पेंट्स. What is the market cap of Berger Paints right now? 55,000 CR. Now, if your investment in Berger Paints needs to double, तो इसका भी market cap को 1,10,000 करोड़ होना पड़ेगा, तभी जाके आपका investment भी double होगा. Is it easy for these stocks to double? No, right? Let's go to another example, Zomato. Zomato का मार्केट कैप है 45,000 CR. एंड यू कैन चेक दिस इन बीएससी वेबसाइट एंड यू कैन चेक दिस इन मनी कंट्रोल ऑल्सो. मनी कंट्रोल ऑल्सो. इन मनी कंट्रोल सी मार्केट कैप ओवर हियर 15,78,000 CR. सो So based on my study, what I found that stocks which have a market cap 15,000 CR, preferably below 5,000 CR, makes very big moves. And if you have, I will discuss the other factors in upcoming videos. Stay tuned. And if you have any question, please drop a text. I'm just one message away. Thank you.